राम राम यूट्यूब फैमिली। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के कितने 8 बजे से कर रही हूँ। और गाइस नहाना वगैरह तो हो गया मेरा ना, और अभी ब्रेकफास्ट बनाना है। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, और आज ब्रेकफास्ट में ना आलू के पराठे बन रहे हैं। पर ना जब मैं नहाने के लिए गई थी ना, तब मैंने आलू कुकर से नहीं निकाले थे, और अभी मैंने कुकर से निकाले तो आलू गर्म है, और उसका ना वो मैश नहीं हो रही अच्छे से घर में, क्योंकि तो इसलिए ठंडे होने के लिए छोड़ दिए मैंने। पर ना मैं खाना बनाने के लिए लेट भी हो गई हूँ थोड़ी सी, मम्मी जी भी आने वाले हैं मंदिर से, पर मुझे वेट करना पड़ेगा आलू ठंडे होने का, या फिर मुझे गर्म गर्म ही करने पड़ेंगे। और पहले ना मैं बहन जी को दिखा देती हूँ आपको बहन जी क्या कर रही है। सुबह जब मैं बहन जी के यहाँ गई थी तो बहन जी तब तो क्लीनिंग कर रहे थे किचन की। होगी क्लीनिंग? नहीं, डट्टू तभी बंद है अभी भी। मम्मी जी ने बोला ना हाँ कि डैडी जी कैंटीन के लिए जाएंगे ना, तो आप जल्दी से खाना बना दो पहले, फिर उसके बाद करना क्लीनिंग। अच्छा। और गाइस किचन में मैं और बाहर वाले रूम में ना बहुत ही खराबा पड़ा है, क्योंकि कलर किया था ना उन वाले रूम में, तो अब ये खराबा भी उठाना पड़ेगा। मुझे लगता है सेल्फ का तो हो गया है, सेल्फ का तो हो गया ना। थोड़ी सी होती है ना, ये साफ करना पड़ेगा। पोछे वगैरह है? पोछे वगैरह कहाँ है जी? थोड़ा एक मिनट ना खड़े होकर बात कर लो गाइस, फिर मैं चली जाऊँगी, मैंने खाना बनाना है। और ना मैंने गाइस को बता दिया कि आप क्लीनिंग कर रहे थे। हाँ, तो क्लीनिंग ही कर रही थी अभी भी। नहीं, मैंने रोटी थोड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि उसके ना स्टोन भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा वो खराब हो जाएगा काम करते करते, इसलिए। तो चलो करो आप काम ना, फिर उसके बाद दिखाएंगे। मेरे परौंठा लेने आया दो। ठीक है। और अम्मा जी बनाई, अम्मा जी भी क्लीनिंग में लगे हुए हैं मुझे लगता है। रोटी बनाई, बस लगी बनाना आलू गर्म है बड़े बड़े। और बाहर भी वैसे ये कार है, बैठेंगे सिखाती हूँ आपको। ये बाहर का क्लारा है, यहाँ पे तो कलर हो गया है वैसे, इस वाले रूम में भी हो गया, बाहर भी हो गया। आप क्या क्लारा दिखा रहे? कोई बात नहीं बहन जी। और ये किचन, किचन का तो बहन जी ने कर ही दिया ना अम्मा जी। और ये यहाँ का आज तो नहीं होगी स्टिचिंग मुझे लगता है, नहाने चले। हाँ, कोई हो? आपके पास टाइम नहीं है जरा भी? अम्मा जी आई से रंगने लगाई थी बात, रंगने लगाई बाहर बाहर। तो गाइस अभी मैं ना बहन जी की रसोई में खाना खाने के लिए आई हूँ पराठे लेके, क्योंकि बहन जी ने मुझे बोला था कि आप ना मेरे लिए भी पराठे बना देना, और मम्मी जी मासी जी चले गए, इसलिए हम ना आज साथ में ही खा रहे हैं पराठे। और बहन जी मुझे बोल रहे हैं कि मुझे मत दिखाना। और किचन तो सारा हो गया है ना, हो गया आपका काम? हो गया। नहीं अभी पोचा रहा ना लगाने के। हाँ, बाहर के दोनों रूम वो बाद में करूँगी। हाँ जी, तो चलो गाइस खा लेते। ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? तो खा लेते फिर उसके बाद मिलते हैं। 10 बज गए और मेरी किचन की क्लीनिंग वगैरह हो गई, और अभी मैं सोच रही हूँ ना कपड़े धो लेती हूँ, और मशीन में ही धोने, मैंने जल्दी हो जाएगा थोड़ा। स्टिचिंग तो हम कल से लगेंगे करने, और बहन जी ने अभी नहाने के लिए गए हैं, और बहन जी ने मुझे बोला था कि आपने मेरे साथ गोड़ चल पड़ना, पर मैं तो अभी कपड़े धोने फिर उसके बाद पोछा भी लगा देती हूँ साथ साथ में, तो गोड़ जाना तो नहीं हो पाएगा मेरे से। चलो, क्या बोला बहन जी? बोल रहे हैं तो रो क्यों रहे हो, इतना रो रो के क्यों बोल रहे हो कि ये नहीं होगा और वो नहीं होगा? वॉशरूम में है अभी बहन जी। तो गाइज धो लेते हैं कपड़े। क्या बोला है? तो सही तो बोली कि मैं पोछा लगाऊं। तो गाइस मम्मी की कॉल आ गई थी, और मम्मी से बात करते करते मैंने कपड़े लगा दिए मशीन में, और अब ना चलते हैं पोछा लगा लेते हैं थोड़ा सा रूम्स में। और बहन जी भी नहा बैठे, कब से वॉशरूम से बातें किए जा रहे हैं मेरे साथ। खड़े हो गया। क्या चाहिए बहन जी आपको?
मैं नहीं जाऊंगी, मैंने बोला तो है आपको नहीं जा पाऊंगी। ये कलर किसने रखा? हमारे उन्हें दिखा दो मुँह बहन जी, तो लिपस्टिक के बिना जरा भी नहीं आते लोग। ऐसे सर मारे हो जैसे नई दुल्हन हो। नई दुल्हन आप कल लग रही थी, आज नहीं लग रहे हो। रंग वालों के लिए आपने चाय बनाएंगे? नहीं, कल बनाएंगे। आप बनाओगे? दो तो चाय बनाओगे। तो YouTube फैमिली, मैं ना अभी गोड़ जा रही थी भैंस को अंदर बांधने, क्योंकि उसको धूप आ गई है। तो अम्मा जी ने ना बोला कि पहले जो रंग वाले आए हैं ना उनके लिए चाय बना लो, उसके बाद जाना भैंस को अंदर बांधने। और अभी ना मैं चाय बना रही हूँ, और साथ में ना पूरी क्लीनिंग हो गई रसोई की। और आज हमारी रसोई ना सुंदर भी लग रही है। बस जो बाहर वाले रूम है ना उसमें रही सफाई करने के लिए, और बाकी तो हो गई। और दिवाली की सफाई के साथ साथ, नहीं शादी के लिए रख कलर करवा रहे हैं, साथ में दिवाली के लिए भी हो जाए। हाँ मजी रखी थी कांगे ये नौ लाड़ी है। तो भाई साहब ही ना हमारी नए वाले देवरानी जो थे ना वो मुझे ना सरगी देने आए थे, लेकिन मैंने उनके साथ वीडियो नहीं बना पाई, मुझे शर्म आ रही थी। और अभी ना वो गोड़ गए अपने वहाँ पर, हमारी बहू अभी है लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। उनकी सास ने बोला ना कि मैं गोड़ को भी ले जाती हूँ, भैंस को दिखाती हूँ। और चाय दे दी, मैं भी गोड़ जाऊँगी भैंस को। धूप आ गई है भैंस को, और इसको भी चलंदर चलंदर बांधते हैं अब इसको। तो गाइस दोपहर के 12:30 हो गए, और खाना वगैरह मेरा बन गया, और मैं कपड़े धो के भी 12:00 आ गई थी। और आज खाने में ना दाल नहीं बनाई मैंने, दाल ना कल की बची हुई थी, और बस मैंने चावल बनाए और साथ में थोड़ा सा रायता बनाया। वैसे मैंने ना रात को भी रायता बनाया था, इतना इतनी बड़ी पतीली ना, पर मैं ना 2 कौलियाँ खा गई, 1 कौली मम्मी जी ने खा ली, 1 कौली डैडी जी ने, और 1 कौली बहन जी ने खा ली। क्योंकि कल ना मुझे सुबह से ही ना ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ, जैसे मैं व्रत खोलूँगी उसके बाद ना ठंडा ठंडा खाऊँगी, मेरा बड़ा मन कर रहा था रायता खाने का। बहन जी तो अभी खाना बना रहे हैं, तो तब तक मैं कोशिश करती हूँ ये चूड़ा सेट करना है मैंने, क्योंकि ये ना इकट्ठी रख दी है इसकी चूड़ियाँ, और अब मुझे पता नहीं लग रहा छोटी बड़ी कौन सी है। मेरे से हो ही नहीं रहा, तो बहन जी को बोलूँगी पहले ना, मैं कोशिश कर लूँगी फिर उसके बाद बहन जी को बोलूँगी, क्योंकि बहन जी अच्छे से कर देंगी इसको। और पर मेरे से नहीं होता, मैंने पहले भी ट्राई किया था, ये हुआ नहीं मेरे से सेट। तो फिर चलो कर लेती हूँ मैं कोशिश, फिर बहन जी तब तक खाना बना बैठेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं चूड़े का। बहन जी आपने बोला नहीं मुझे। बहन जी ये मेरे वाली नहीं है, ये हमारी नई देवरानी ने दी। मेरे पास क्यों नहीं आए तो वो देने? आप ना काम कर रहे थे और उनको कहीं जाना था, तो इसलिए ना उन्होंने बोला कि आप दीदी जी को दे देना, मुझे भी दी और आपको भी। आप क्या खलारा डाल के बैठे हो? ये अपने समेटने हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। बहन जी मासी, गाइस मासी जी ने ना बहन जी की सभी चूड़ियाँ मिक्स कर दी है, तो बहन जी बोल रहे हैं कि जैसे ना आगे आगे दिखाओ आगे की चूड़ी। यहाँ आगे की चूड़ियाँ जो होती है छोटी होती है, पीछे की बड़ी होती है, तो फिर ये रेड वाली में कन्फ्यूज हो गई, मिक्स होगी। तो अब छांट कर देखती हूँ कौन बड़ी है कौन छोटी। और बाहर ना कलर और कलर कर रहे हैं ना, और अम्मा जी कैसे बैठ कर देख रही है। अम्मा जी बोल रहे हैं ना गुलाब ने 4 दिन लगा दिया, अगर मैं होती तो 1 दिन में करती थी, जैसे हमें बोलती है कपड़ों के मामले में। हाँ तो गाइस बहन जी ने कर दिया सेट मेरा चूड़ा, और बहन जी अब पहना दो, लगे पहनाने। आ
जी आपको हाथ लग रहा है ये है? क्या लग रहा है? मुझे लगता है आपको हाथ नहीं लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है जैसे आप पुतले में जी। अम्मा जी ने मुझे काम बताया, मुझे कहाँ जाना। तो आप हाथ छील दोगे? दिल्ली है ये, पुदी है ना तो कर नहीं। अच्छा हाँ, मैंने कल बोला था हाथ पतले हो गए, आज बोले कि मोटी हो गए। दो ही नहीं, दो ही एक बार ही दिखला आई हो सारे। और क्या तो गाइस, बहन जी और मैं खाना लग पड़े खाने दोपहर का साथ में, और अचानक याद आया कि हम ब्लॉग भी बनाते हैं। और ये रहा रायता, और ये दाल और चावल, ये बहन जी। तो मम्मी जी और मासी जी ना भागवत से आ गए हैं, तो हम सोच रहे हैं ना कि ये जो सर्गी का सामान है ना, ये भी उनको दे देते हैं, क्योंकि कल नहीं दे पाए थे हम। हाँ तो चलो, हो गई ना पैक अच्छे से। पैसे लेके आओ। हाँ हाँ, दो मिनट लगेंगे रुकना। पर ये रही, खींच दिया। मम्मी और पाक मासी जी आइया। तू देने मिंज आहे बनाए दे तो ओले नहीं है। एक काम से मेरी अच्छा मिल ही लिया था। जाओ हवा पठाओ लाइटा से दुपा दिया। मासी जी आने वाला तो गाइस, अभी मैंने ना यहाँ रूम में रख दी सुहागी है ना, और अभी ना दूसरी साइड से बहन जी मुझे आवाज़ लगा रही कि इधर आओ, और इस वाले यहाँ पर ना इस वाले पिलर पर कलर होगा, क्योंकि यहाँ पर सीलन आती है जिसकी वजह से कलर निकल चुका है, तो यहाँ भी करेंगे कलर, और बाहर भी हो गया। बस कल कदी ने, उसके बाद फिर हमारा काम ख़त्म हो गया। बहन जी क्यों बुला रहे हो आप? मेरा कुछ काम था। हाँ मुझे पता है, चलो कर लेते हैं वो काम पहले। गाइस हमारे भाभी आए हमें सर्गी देने। वो चांद की रात है, रात लगे आ गया आ गया। बैठो बेंच बेंच पर बैठ जाओ, वहां पर बेंच पर बैठ गई। हम खेतों चली हैं, खेतों चल ले हो। नहीं मम्मी लग रही है, खेतों चली हैं। तो YouTube फैमिली अभी टाइम 6 बज गए, बस है 4-5 मिनट 6 बजने के लिए। और अभी ना हम अम्मा जी के लिए ना सूट कट कर रहे थे। बहन जी दिखाओ, एक ये ना स्काई ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का ऐसा। ये वाला ये ना हमारे बुआ जी जो है ना उनके बेटे की शादी है संडे को लगी, बड़ी संडे को इतनी नज़दीक। हाँ हमें शादी आ गई, तो गाइस उसके लिए कट किए हमने ये 2 सूट। एक सूट और भी है वो अंदर रखा है, वो पहले ये 2 सूट स्टिच हो जाए उसके बाद कट करेंगे उसको जी। हाँ और बहन जी बोल रहे हैं ना कि आज ना जल्दी ब्लॉग एंड कर देते हैं, नहीं तो रसोई में करना पड़ेगा फिर। हाँ और बस मुझे तो अभी रोटियाँ ही है बनाने के लिए, सुबह घी की सब्जी बनाई थी सुबह, वो वैसे ही बची है तो वो हो जाएगी और दाल हो जाएगी। और आप? सब्जी बन गई, मम्मी जी ने बना दी, अब रोटी ही बनानी है। हाँ तो एंड कर देते हैं ब्लॉग का, बहन जी करो
तो गाइस आप कमेंट नहीं, नहीं पहले एक कमेंट का रिप्लाई करो, कौन सा जीजू जी घर क्यों नहीं आए, जीजू जी को छुट्टी नहीं मिली। हाँ नहीं संडे को वैसे चलो छुट्टी भी होती है लेकिन ना उन्हें ना इमरजेंसी में जाना पड़ता है हॉस्पिटल, इसलिए वो नहीं आ पाए। कोई और भी था चलो करो तो यूट्यूब पर भी आप कमेंट करके बताना आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक बाय।